किसान था गांव का एक भोला भाला। गांव में सभी लोग मिलकर ही रहते थे, ये तो आपस के झगड़े तो बाद में आए। मुसलमान दोस्त था उसका। एक दिन पहुंचा उसके घर, वो खेत में गया था, पत्नी थी, आओ भगत की गुड़ पानी पिलाया। उसने कहा 50 रुपयों की जरूरत थी। तो पत्नी ने कहा फिर वो खेत में जाइए, मिल जाएंगे आपको, बात कीजिए। खेत में गया, अरे भाई खेत में कैसे आया? तो बोले 50 रुपये की जरूरत पड़ी, कल काम उसका है, आज मिल जाने चाहिए। तो गरीब किसान 50 रुपये कहाँ रहेंगे एकदम एक हाथ देने में उसको। लेकिन वो बड़ा हिकमती था, उसने कहा अच्छा देखते हैं तो कि आजकल तकरीर चल रही मस्जिद में। तो बोले हाँ चल रही है। तो मुल्ला जी के प्रवचन अच्छे होते। तो बोले हाँ तुम जाते हो रोज, मैं जाता हूँ, तो आज मैं भी आऊंगा सुनने के। तो उन्हें साथ लेके चला गया। तो मुल्ला जी ने प्रवचन दिया तकरीर में, उन्होंने कहा कि खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता वगैरह, सब हो गया। फिर इसने कहा कि बड़ी अच्छी तकरीर की, हमारा जरा परिचय करा दो। तो लेके गया कि हिंदू है, हमारा दोस्त है, किसान है, आपकी तकरीर अच्छी लगी इसलिए मिलने के लिए आया है। उसने कहा बहुत अच्छा तकरीर लगी, तो रोज आना। तो बोले रोज आऊंगा महाराज, लेकिन एक बात हमको जमी नहीं आपके तकरीर की। तो कौन सी? तो आपने बताया कि खुदा की खुदाई कोई नहीं जानता। तो बोले नहीं जानता कोई। तो बोले मैं तो जानता हूँ। तो तुम कैसे जानोगे? मैं जानता हूँ। एक तो अनपढ़ किसान, बाद में काफर, तुम क्या जानोगे? तो मैं जानता हूं, मैं दिखा भी सकता हूं। आप दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं, मैं तो शर्त बदलने के लिए तैयार। तो बोले क्या शर्त बदोगे? तो बोले मेरा मन तो है 100 रुपया बदलने का, 100 रुपये की शर्त, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो आपके पास है तो आप रखो, फिर अगर मैं हार गया तो मैं कहीं से जुटाकर आपको ला दूंगा कल तक। ठीक है 100 रुपये, लेकिन तेरे पास नहीं जैसा, तेरा तो पहला परिचय है। तो बोले ये रोज आता है आपकी तकरीर में? तो बोले हाँ इसको जानता हूँ, इसके पास आओ, ये जमानत। उसने कहा भैया मैं तुमको मांगने के लिए आ रहा था, तुम्हारे पास नहीं है और तुम यहाँ 100 रुपये? तो चुप रहे, मेरे पर भरोसा है ना? तो बोले है। फिर मुल्ला जी का दिखाओ। तो बोले चलो चल, आप बाकी सबने सुना ये संवाद, तो वो भी पीछे हो लिए। अब वो पीछे है इसलिए गांव भी पीछे आ गया। पूरी भीड़ चलते चलते 2-4 किलोमीटर एक नदी के पास रुक गई। उसने कहा आप बताइए ये नदी है किसकी खुदाई है? ना मेरी है, ना आपकी है, ना मेरे बाप की है, ना आपके बाप की है, ना बादशाह सलामत की है। बादशाह सलामत का ही राज था उस समय, तो किसकी हो सकती? खुदा की खुदाई है नदी। अब मौलवी जी को समझ में आ गया कि इसने शब्दों में फांस लिया, इसलिए उनका अच्छा ठीक है भैया, दे दिया उसने 100 रुपया, 50 रुपया उसको दिया, 50 रुपया अपने पास लिया वापस। मित्र ने धन्यवाद किया, घर के पास छोड़ने के लिए गया। मित्र को कहा कल भी जाना है, रोज बुलाया है और 3 दिन चलने वाली है। दूसरे दिन पहुंचा फिर से, मौलवी जी ने देख लिया फिर से आया है, वो जरा सावधान हो गया। उसमें तकरीर में वाक्य आ गया कि आदमी के मन में क्या है कोई नहीं जान सकता। ये फिर से पहुंचा, एक बात समझ में नहीं आई। तुमने क्या, आपने कहा कि आदमी के मन में क्या है कोई नहीं जान सकता? और नहीं जान सकता। तो ले आप मेरे मन का नहीं जान सकते? नहीं जान सकता, लेकिन मैं आपके मन का जानता हूं। मौलवी जी को लगा बस अब मिल गया है, मेरे मन का क्या जानेगा, और जान भी लिया तो मैं कह दूंगा मेरे मन में नहीं है। तो ले शर्त बदो। तो ले बताइए कितने की? बोले इनका कल के 100 वसूल करने और 100 इस पर लगाने हैं, तो 200 मेरे पास नहीं है। जमानतदार तो वो दोस्त, वो हैरान हो गया कि क्या करेगा। बोले चुप। फिर मौलवी जी ने बता मेरे मन में क्या है।
तो बोले मौलवी जी, आपके मन में ऐसा है कि ये जो आप इस्लाम फरमा रहे तकरीर में, सारी दुनिया इसको कबूल कर ले और बादशाह सलामत का राज्य ऐसा ही चलता रहे। बोलिए है कि नहीं? अब इसको ना करना कठिन है। 200 रुपया मिल गया, 100 रुपया दोस्त को दिया, 100 रुपया अपने पास रखा। तीसरे दिन फिर पहुंचा, तब आखिरी बात हो रही तो आखिरत की कयामत की बात हो गई, फलाने दिन कयामत आएगी, ऐसा वैसा फिर से पहुंच गया। मेरा कहना है नहीं आएगी। मौलवी जी ने कहा कितने की शर्त? 500 रुपया ले लिया मौलवी जी से, इसके पास तो रहता ही नहीं था। और फिर चले। दोस्त ने कहा कि 50-100 की बात थी तब तो ठीक था, लेकिन 500 हो गया, कैसे करोगे? तो देख, कयामत जिस दिन आने वाली है उस दिन अगर आ गई, नहीं आई तो पैसे मेरे हो गए, आ गई तो न मैं रहेगा न मौलवी रहेंगे। तो हम जो अभियान चला रहे उसकी बात ऐसी है, इसमें हम अपना आत्मविश्वास, अपना विवेक, अपना अध्ययन और अपनी सर्वेशाम अविरोधेन दृष्टि कायम रखकर इन सब बातों को करेंगे तो उसका तो भविष्य निश्चित है, उसके साथ हम भी तर जाएंगे। इतनी एक बात जाते समय ध्यान में रखकर आप आगे काम में लग जाइए, इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरी बात समाप्त।